परमादरणीय समस्त धर्मप्रिय नागरिक बंधु माँ शक्ति, मैं संजय सत्येंद्र पाठक कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से विधायक एवं हरिहर तीर्थ जो निर्माण होने जिसका निर्माण होने जा रहा है उसका चरण सेवक हूँ। हमारे श्रद्धे आराध्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की कृपा से एवं परम पूज्य हमारे देवलोकवासी पिताजी उनके हुए बताए हुए मार्ग और दिए हुए संस्कारों से हमने अपने जीवन यात्रा को समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, मानव की सेवा में, जीव की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रखा है। और इसी जीवन की यात्रा में एक परिकल्पना मेरे मन में आई, मेरे विचार में आई कि मैं देखता हूँ जब भी कभी जाता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे, शहरी क्षेत्र के दौरे पे, बहुत सारे हमारे सनातनी परंपरा को, धर्म को मानने वाले लोगों के मन में एक कुंठा रह जाती है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, निःशक्त हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं या निराश्रित हैं। जो ऐसे लोगों के मन में कुंठा रह जाती है अपने जीवन में कि वो चार धाम यात्रा नहीं कर सकते, वो चार धाम के दर्शन नहीं कर पाते, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, देवी माँ के 9 दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते। और जब भी कभी कोई तीर्थ यात्रा करके लौटता है और भागवत कथा करा के अपने तीर्थ का पुण्य जब लोगों में बांटते हैं, भागवत कथा कराते हैं और भंडारा प्रसाद करके सबको, पूरे मोहल्ले को, गाँव को, नगर को बुला के और कथा सुनाते हैं, तो बहुत से ऐसे वरिष्ठ लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके मन में ये विचार आता है कि काश हम भी चार धाम यात्रा कर लेते, हम भी अयोध्या के बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कर लेते, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको हो जाते। ये मन में कुंठा रह जाती है क्योंकि वो निशक्त हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, निराश्रित हैं, चाह कर भी नहीं जा पाते और उनके जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। मेरे मन में ये विचार आया, ईश्वर ने एक परिकल्पना भेजी कि क्यों ना एक ऐसे तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया जाए कि जो हमारा ये दिव्य भारत है, जिस भारत भूमि पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहुत ही सुंदर दिव्य देवालय है, क्यों ना उन सारे दर्शनीय देवालयों को, जिनके पुण्य प्रताप से जिनके पास जाके लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं, जीवन में पुण्य कमाते हैं और परलोक को भी सिद्ध करने के लिए वो अपने चार धाम की यात्रा तीर्थ करते हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे निशक्त व्यक्ति, ऐसे निर्धन व्यक्ति, ऐसे निराश्रित व्यक्ति, ऐसे परिवार जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए एक ही स्थान पे ये तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो, जहाँ पे चारों धाम के मंदिर हों, उत्तर के बद्रीनाथ, पश्चिम के द्वारकाधीश, पूर्व के जगन्नाथपुरी और दक्षिण के रामेश्वर, इन चारों मंदिर को एक ही स्थान पर बनाया जाए, 12 ज्योतिर्लिंग को भी एक स्थान पर लाया जाए, 9 देवियों का भी एक ही स्थान बनाया जाए। भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो श्री कृष्ण जी के नारायण रूपी विराट स्वरूप का एक दिव्य विग्रह स्थापित किया जाए। वहीं मैं भी विप्र कुल में जन्म लिया हूँ, मैं आज जो कर पा रहा हूँ, जो सोच पा रहा हूँ, जो सेवा कर पा रहा हूँ, तो विप्र कुल में जन्म लेने के कारण ही कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने विप्र कुल को भी, अपने विप्र कुल गुरु हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का भी एक दिव्य विग्रह स्थापित करूँ, जो विश्व की सबसे ऊंची विग्रह हो, 108 फुट की अष्ट धातु की भगवान परशुराम जी की विग्रह, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का विग्रह, भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है उसकी प्रतिकृति, एवं चार धाम के मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान और साथ में 9 देवियों का स्थान, ये अद्भुत हरिहर तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ, कृपया पधारें और हमको भी आशीर्वाद दें, हमारे सहयोगी साथियों का आशीर्वाद दें और इस उपरोक्त बनने वाले हरिहर तीर्थ में अपना भी सहयोग और साथ सहयोग हम सभी को प्रदान करें, हम सबको संबल प्रदान करें ताकि उन लोगों के लिए जिनके मन में कुंठा रह जाती है, हम चार धाम नहीं कर पाते, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक दिव्य तीर्थ स्थापित हो सके और धार्मिक पर्यटन क्षेत्र का भी निर्माण हो सके, युवाओं को भी रोज़गार मिल सके और मध्य प्रदेश को पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक उपयुक्त स्थान, एक दिव्य स्थान के रूप में विकसित किया जा सके। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में एवं जूना पीठाधीश्वर परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद जी के परम सानिध्य में 12 जून को भूमि पूजन तीर्थ क्षेत्र का होने जा रहा है। साथ ही साथ हम आप सबको आशीर्वाद देने देश की महान विभूतियाँ द्वारकापीठ के शंकराचार्य जी परम पूजनीय स्वामी सदानंद जी का भी आगमन हो रहा है, श्री श्री रविशंकर जी का भी आगमन हो रहा है, ममतामयी माँ ऋतुमरा दीदी का भी आगमन हो रहा है, निरंजनी अखाड़ा के पूजनीय स्वामी कैलाशानंद जी का भी आगमन हो रहा है, साथ ही साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी
उनका भी आगमन हो रहा है। इनके साथ राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के परम पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी सहित देश के महान संतों का समागम होने जा रहा है। प्रदेश के महान संत, सभी आश्रमों के सभी प्रमुख, सभी संत पुरुषों का आगमन होने जा रहा है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि इस महान परोपकारी कार्य में, इस महान तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ एक ही तीर्थ के अंदर आपको भारत के सारे दिव्य दर्शन होने जा रहे हैं, आप सब सपरिवार पधार कर हमको संबल प्रदान करें, हमारी पूरी जो समिति है इसको संबल प्रदान करें और तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।